स्टडी आई क्यू आई एस अब तैयारी हुई अफोर्डेबल हेलो एवरीवन वेलकम टू स्टडी आई क्यू पी दिस इज मनीष श्रीवास्तव जैसा कि आपको पता है रोजाना सुबह आठ बजे अलग अलग इंपॉर्टेंट साइंस के सेशन लेकर मैं आता हूँ मंडे ट्यूसडे वेडनसडे होता है बायोलॉजी थर्सडे फ्राइडे फिजिक्स और सैटरडे को होता है केमिस्ट्री तो उसी में आज है वेडनसडे और वेडनसडे को हम क्या पढ़ेंगे तो बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे अब आपके मन में डाउट होगा कि सर जो है केमिस्ट्री के सेशनस डेली क्यों नहीं हो जाते हैं फिजिक्स के सेशन डेली क्यों नहीं हो जाते हैं केमिस्ट्री जो है इतना कम क्यों पढ़ रहे हैं या बायोलॉजी को भी सिक्स डेज क्यों नहीं कर दिया जा रहा है तो इसके पीछे

दो क्वेश्चन लगभग आपके फिजिक्स से होते हैं और एक क्वेश्चन केमिस्ट्री से होता है तो हमने उसी तरीके से हमारे सेशंस को भी डिजाइन किया है कि हम जनरल साइंस को कवर कर रहे हैं तो जिस पोर्शन से हमें ज्यादा वेटेज का आता है हम उसको ज्यादा कवर करें जिस चीज से हमें कम पूछा जाता है हम उसको उस तरीके से देखिए कवर तो सभी होगा लेकिन वेटेज का जो एग्जाम्स में हम स्कोर कर सकते हैं उन चीज़ों को भी बात करेंगे और रही बात मेंस की तो मेंस के हिसाब से जो है प्रिलिम्स और मेंस क्योंकि कई बच्चों का डाउट था क्या सर इन क्लासेस से मेंस के एग्जाम्स लिखे जा सकते हैं बिल्कुल लिखे जा सकते हैं जिन जिन स्टेट्स में मेंस की आंसर राइटिंग होती है उसमें साइंस का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है फीचर होता है और अगर हम बात करें अभी रिसेंटली अगर आप देखेंगे एमपीपीएससी की बात करें तो हाल ही में जो एमपीपीएससी का मेन्स का पेपर हुआ उस मेन्स के पेपर में पेपर थ्री ने एकदम से लोगों की बैकबोन ही तोड़ दी गई क्योंकि पेपर वन पेपर टू में बहुत अच्छा स्कोर किया है लेकिन पेपर थर्ड जो है लिख नहीं पा रहे हैं बच्चे ये हालत है अगर किसी को भी डाउट है आप पेपर थर्ड जरूर देखिएगा एम का और उसके बाद जो है लेक्चर्स को देखिए कि हम जो भी चीज पढ़ रहे हैं हम उसी लेवल पर पढ़ रहे हैं कि हमें किसी भी तरह के क्वेश्चन आएंगे तो हम आंसर राइट कर पाएंगे हम पेपर क्वालिफाई कर पाएंगे तो मेन अप्रोच हमारा वही है तो शुरू करेंगे आज का सेशन हमने चालू किया था एनिमल टिश्यूज एनिमल टिश्यूज में एपी को कवर कर लिया था आज एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में जिसको हिंदी में कहा जाता है संयोजी उत्तक, उसको कवर करेंगे उससे पहले आपके लिए जो सेल चल रही है टिल 15th ऑफ दिस मंथ जो इस इसके बारे में बात करें तो यूपीएससी और स्टेट पीएससी का आपका माइन कोर्स लेंगे तो आपको मिलेगा 11999 का और अगर आप स्टेट पीएससी का कोई भी कोर्स लेते हैं तो वो अभी आपको मिलेगा आज तक 4999 कोड यूज करना है आपको MNSTATE एम एन स्टेट कैपिटल में टाइप करें ऐप आप या आपकी वेबसाइट पर तो उस दोनों कोर्स को आप अवेल कर सकते हैं इसके अलावा जो कल के थे उनको पहले सॉल्व करते हैं फिर सेशन को प्रोसीड करेंगे तो कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था कि टिश्यूज हैविंग वेरी लेस और नो मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है जो कि अगर हम बात करें जिनके पास क्या हो इंटरसेल्यर मैट्रिक्स जो है कि मतलब उनके अंदर जो गैप है वो बहुत कम हो ऐसा कौन सा होता है तो ये जो है आपका एपिथिलियल होता है जिसको उपकला कहा जाता है दूसरा क्वेश्चन था कि व्हाट टाइप ऑफ ियल सेल्स आर एस एस देर वाइड किस प्रकार की उपकला कोशिकाएं जितनी लंबी होती हैं उतनी ही चौड़ी होती हैं तो ये मैंने आपको बताया था कि ये जो क्यूबॉइडल एपीथीलियल टिश्यू होता है जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है तो इसी को कहा जाता है आयत फल की क्यूबॉइडल तो ये जो है इस तरह का होता है जिसकी चौड़ाई और लंबाई जो है बराबर होती है फिर द ट्रांजिशनल एपीथीलियम इज फाउंड इन इसी को मैंने बताया था सीलिया भी कहते हैं जो संक्रमणशील होता है इसमें एक चीज़ होती है हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो किसी भी चीज़ को आगे ले जाने में मदद करते हैं तो वो कहाँ होते हैं तो यूरिनरी ब्लैडर में होते हैं इसके मैंने तीन काम बताए थे बॉडी में ओवरी से एक्स का मूवमेंट कराना यूरिन का मूवमेंट कराना इसके अलावा जो म्यूकस होता है उस म्यूकस का मूवमेंट कराना इन चीज़ों पर हमारी बात हुई थी इसके बाद अगला क्वेश्चन है सिंपल क्यूबॉइडल एपीथीलियम जो सिंपल क्यूबॉइडल एपीथीलियम है वो कहाँ पाया जाता है थिन ब्रॉन्कीोल्स में पतली ब्रॉन्क्योल्स में आँख के कोरोइड में पसीने की गांठ में या ऊपर के सभी तो ऑल ऑफ दी अबॉव सारी चीज़ों में आपका सिंपल क्यूबॉइडल एपिथीलियम मिलता है जिसके थ्रू सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन प्रोटेक्शन ये सारी चीज़ें होती हैं आज हमारा जो टॉपिक है वो है एपिथीलियल तो हमने कवर कर लिया है अब हम उसी तरीके से किसको कवर करेंगे कनेक्टिव टिश्यूज को कवर करेंगे जिनका काम है बाइंड करने का जोड़ने का सपोर्ट देने का और ट्रांसपोर्ट करने का तो ये सारी चीज़ें अच्छे से समझते हैं इसके अलावा और भी दो हैं लेकिन आज हमारा फोकस किस पे रहेगा कनेक्टिव के बारे में तो कनेक्टिव से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उनको देखेंगे तो देखा जाए तो बेसिकली हमारा ये कवर हो गया है कनेक्टिव के बारे में बात करनी है बाइंडिंग सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट अब देखिए इसमें कुछ टाइप्स हैं जिनमें एक टाइप है एरोलर एक है सपोर्टिंग एक है एडिपोस एक स्केलेटल और एक फ्लूइड तो ये चारों चीज़ों को बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे मतलब इसमें देखा जाए तो कनेक्टिव टिश्यूज़ कुछ इस तरह से होते हैं इनके अंदर गैप्स भी होता है कई तरह की ये छोटी छोटी चीज़ होती है इसको मैट्रिक्स कहा जाता है जो बाइंड करके रखती है लेकिन इनमें इंटरसेलर स्पेस होता है इसके अंदर अंतर जो स्थान होता है वो बरकरार रहता है और ये चीज़ क्या करती है तो ये जो है आपका कनेक्टिव है संयोजी है अब इसका मतलब क्या है तो देखा जाए तो हमारी बॉडी में क्या है हमारी बॉडी में स्किन भी है हमारी बॉडी में मसल्स भी हैं मांसपेशियां भी हैं हमारी बॉडी में हड्डियां भी हैं तो ऐसा नहीं होता है कि अगर हम चल रहे हैं तो हमारी हड्डियां कहीं जाएं हमारी स्किन कहीं जाए हमारा मांस कहीं जाए ऐसा तो नहीं होता कि अलग अलग हो गया आपने थोड़ा सा दौड़ा तो आपका जो हड्डी है वो पीछे छूट गई जो स्किन थी वो आगे गिर गई ऐसा नहीं होता है क्यों नहीं होता है क्योंकि आपकी बॉडी कनेक्टेड है तो ये सारी चीज़ों को बाइंड करके रखना कि आपकी बॉडी से कोई भी चीज़ ना गिरे ना कोई चीज़ अलग हो ये कौन कर पा रहा है तो ये कर पा रहा है कनेक्टिव टिश्यूज़ तो इसके अंदर ये मैट्रिक्स होते हैं जो सारी चीजों को जकड़ कर रखते हैं इनमें गैप्स जरूर होता है लेकिन ये सारी चीजों को बाउंड करके रखते हैं तो इसी चीज पर हमारी बात होनी है जिसमें आप जो है कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में बात करेंगे हो चुका है है हमारा तो इसको जो एडिपोस फाइब्रस बोन्स ब्लड और लिम्स ये सारी चीजें समझ जाएंगे तो अभी भले आपको ये फ्लो चार्ट में बहुत सारी चीजें दिख रही हो लेकिन एट द एंड ऑफ क्लास आपको ये सारी चीजें आ जाएंगी आप इस पर आसानी से आंसर भी लिख सकते हैं ये जो है बस लास्ट तक देखिए अब देखा जाए तो हमें यहां पर ही बात करनी है कनेक्टिव पर एलोर एडिपोस स्केलेटल और फ्लूड इन चार चीजों से हम डील करेंगे हिंदी में क्या कहा जाता है तो हिंदी में इसको कहा जाता है संयोजी उत्तक और इसमें तंतुमय जिसको एरोलर कहा जाता है उपस्थि जिनको कार्टिलेज कहा जाता है ये बोन्स और फ्लूड इन सारी चीजों पर हम ध्यान देंगे तो एक एक करके आपको सारी चीज़ें समझने आ जाएंगी इनके क्या वर्क हैं वो भी समझने आ जाएंगे तो शुरू करते हैं तो इसमें देखिए सबसे पहले बात कर रहे हैं हम कनेक्टिव टिश्यू की तो देखा जाए तो कनेक्टिव टिश्यू में क्या लिखा है तो पहला काम तो आप सबको समझने आ रहा होगा कनेक्ट्स वेरियस पार्ट्स आप तो ये वेरियस पार्ट्स को कवर कर रहे हैं कि नहीं आपकी स्किन है आपकी मसल्स हैं मांसपेशियां हैं आपकी बोन्स हैं आपकी ब्लड वेसल्स हैं तो ये तो पूरी बॉडी में ही है ये आपकी पूरी बॉडी में अटैच्ड है सारी चीजें आप कभी रन कर रहे हैं जंप कर रहे हैं स्लीप कर रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं तो ये सारी चीजें आपकी बॉडी में हमेशा एक जगह पे ही रहती हैं वो क्यों रहती हैं तो कनेक्टिव टिश्यूज के कारण मतलब संयोजी उत्तक का एक बहुत बड़ा काम ये तो है इसके अलावा ये क्या करते हैं प्रिवेंट फ्रॉम डिस्प्लेसिंग डिस्प्लेस होने का मतलब एक जगह से दूसरी जगह कहीं गिर तो नहीं जाती तो ये कौन बचा के रखता है तो ये कनेक्टिव टिश्यूज बचा के रखते हैं बाइंडिंग का काम सपोर्टिंग का काम पैकेजिंग का मटेरियल का काम कि हमारी बॉडी में सारी चीज़ें पैक्ड रहे और इसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो लूजली स्पेस्ड होते हैं ये मैंने आपको चीज़ बताई थी यहां पर जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया था इसमें देखेंगे तो यहां पर आपको इस तरह का लूज शेप दिख रहा होगा तो ये लूज शेप जो होता है ये किसके कारण होता है तो ये लूज से शेप जो है एक चीज के कारण है जिसको कहा जा रहा है मैट्रिक्स तो इसमें मैट्रिक्स का बहुत बड़ा रोल रहता है तो ये मैट्रिक्स को अच्छे से याद रखेंगे इसके बाद देखिए यहां पर हम क्या बोल रहे हैं कि मैट्रिक्स जो होती है इसमें कैसी होती है जेली भी होती है फ्लूड टाइप की होती है कई जगहों पर डेंस और रिजिड होती है तो इनके अंदर जो मैट्रिक्स है एक मटेरियल है जो जेली टाइप का है जो इनको जोड़कर रख रहा है तो हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी है अगर हम स्किन को टच करते हैं हमारे तो हमारी मसल्स जो है वो इस तरीके से मूवमेंट करती है ऐसा स्टिफ नहीं होती है तो ये क्या चीज़ है हमारी बॉडी में हमारी बॉडी के अंदर कोई भी चीज है जैसे आप पाम को दबाएंगे तो ये दब क्यों पा रहा है क्योंकि इसके अंदर ये जेली लाइक जो सब्सटेंस है इसी को तो क्या क्या कहा जा रहा है मैट्रिक्स कहा जा रहा है तो

तंतुमय तो ये एरियोलर जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं मतलब तो तंतुमय एक जो है कैसा होगा तो एक लूजली होगा लूज मतलब फैला हुआ ढीला ढाला सा और एक जो होगा डेंसली घनत्व वाला होगा ये लूज होगा मतलब इसका लेस डेंसिटी होगी इसकी ज्यादा डेंसिटी होगी और इस तरीके से ये बॉडी के अंदर रहेंगे इनके अंदर क्या मिलेगा तो आपको मैट्रिक्स जो है इसमें मिलेगा तो देखिए यहां पर हम बात करें तो सबसे पहले किसकी कर लेते हैं लूज की बात कर लेते हैं तो जो लूज आपका क्या है एरियोलर एर जिसको तंतुमय कहा जा रहा है संयोजी उत्तक ये देखने में माइक्रोस्कोप से आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखते हैं ये क्या करते हैं तो सपोर्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स, जो हमारे आंतरिक अंग होते हैं उनको एक सपोर्ट प्रोवाइड करके रखते हैं इसके अलावा हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ टिश्यूज अब कोई टिश्यू में अगर डैमेज हो गया है तो ये जो लूजली पैक्ड हैं ये जो ढीले ढाले जो कम घनत्व वाले तंतुमय संयोजी उत्तक हैं ये वापस से रिपेयरिंग का काम करते हैं इसके अलावा एक होते हैं जिनको आप डेंस कहते हैं तो उन डेंस की भी बात कर लेते हैं तो ये डेंस क्या करते हैं तो इन डेंस को देखिए यहाँ पर ये दिख रहा है आपको डेंस कनेक्टिव टिश्यू तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू में ऐसा लूज़ नहीं होता है एरियोलर में आप देखिए यहाँ पर लूज दिख रहा है यहाँ पर थोड़ा सा जो उनके बीच में गैप होता है वो कम होता है तो ये हमारी बात हो रही है डेंस के अंदर तो डेंस में देखिए दो तरह के होते हैं एक होता है टेंडन एक होता है लिगामेंट ये बहुत ज्यादा जरूरी है कौन कौन से टेंडन और लिगामेंट तो आपने एक एड देखा होगा जिससे मैं आपको ये याद करा दूंगा टेंडन और लिगामेंट को तो एक एड देखा था आपने जिसको जो बिंगो का एड आता था आपने तो बिंगो टेढ़े मेढे याद होंगे आपको तो आपको ये याद करना है बिंगो टेढ़े मेढ़े तो बिंगो टेड़े मेढ़े में अगर देखा जाए तो बी आता है टी आता है और एम आता है तो इसमें आप याद करिए बी फॉर बोन्स टी फॉर टेंडन टी फॉर क्या होगा आपका टेंडन होगा और एम फॉर क्या होगा मसल्स तो ये आप नहीं भूलेंगे कि हमारी जो हड्डियां हैं उससे जो मसल्स हैं वो क्या है कनेक्टेड है ऐसा तो नहीं है कि हमारी हड्डियां अलग हो रही हैं अगर हम हैंड का मूवमेंट कर रहे हैं तो हमारा मास कहीं जा रहा है हमारी हड्डी कहीं जा रही है ऐसा नहीं होता ये आपस में जुड़ी होती है तो ये कैसे जुड़ी होती है तो इसको जोड़ने का जो काम कर रहा है वो टी कर रहा है तो ये जो है टेंडन यहाँ पे काम करता है तो टेंडन से, तो से आप याद कर लेंगे बिंगो तेड़े मेड़े तो आपका बोन्स को कौन कनेक्ट कर रहा है बोन से कनेक्ट हो रहा है आपका मसल्स और किसकी मदद से हो रहा है तो ये हो रहा है टेंडन की मदद से इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरी चीज जो है आपकी वो क्या है लेगामेंट है तो लेगामेंट किसको करता है तो लेगामेंट जो है वो बोन्स को बोन्स से करता है कोई हड्डी दूसरी हड्डी से जो जुड़ी हुई है जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर 206 बोन्स हैं तो 206 हड्डियों का मतलब हमारी बॉडी तो एक सिंगल पीस दिखती है लेकिन इसके अंदर हड्डियाँ कहाँ अलग अलग हैं तो ये हड्डियां जो अलग अलग हैं ये बेसिकली जैसे कि आपका जॉइंट है एल्बो ज्वाइंट है इसके अलावा जो आपकी फिंगर्स हैं ये भी आसानी से मुड़ जाती हैं तो ये सारी चीजें किससे जुड़ी हुई हैं मतलब ये अलग अलग हैं लेकिन ये आपस में कनेक्टेड हैं तो किससे कनेक्टेड हैं लिगामेंट से कनेक्टेड है तो इन लिगामेंट की बात कर लेते हैं तो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर आपके दो टाइप्स होते हैं एक होता है टेंडन और एक होता है लिगामेंट तो टेंडन क्या करता है एक फाइब्रस टिश्यू होता है जो लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है ये लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपका आप बीच से मतलब यहां से अगर आप सोचें कि आपका हाथ मुड़ जाए तो मुड़, मुड़ेगा तो नहीं मुड़ सकता है क्योंकि टेंडन जो है इतना लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी देता है मतलब थोड़ा बहुत तो मुड़ सकता है लेकिन आप सोचें कि आपका जो बोन है वो बोन बीच से मुड़ जाए तो नहीं मुड़ेगी वो कहां से मुड़ेगी सिर्फ ज्वाइंट से मुड़ेगी तो यहां पर जो चीज होती है जो आपका क्या कर रही है बोन्स को किससे कनेक्ट कर रही है मसल से तो उस जगह पे कौन आ जाता है तो यहां पर टेंडन आ जाता है और वहीं पर जो लिटिल मैट्रिक्स प्रेजेंट हो और साथ साथ क्या हो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से कनेक्ट करके रखे उसको कहा जाता है लिगामेंट तो ये लिगामेंट जो है ये भी एक तरह का टिश्यू है तो ये टिश्यू भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कई चीज़ें आप जो खाते हैं उससे बॉडी में लिगामेंट बढ़ता है जैसे अरबी की सब्जी खाई जाती है तो अरबी जो होता है वो काफ़ी आपकी बॉडी में लिगामेंट के फॉर्मेशन फ्लूड का फॉर्मेशन मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करता है जिससे आपकी हड्डियों के बीच में एक प्रॉपर फंक्शनिंग होती रहे इनके ही अगर प्रॉपर फंक्शन नहीं होते टेंडन लिगामेंट के तो ऑस्टियोपोरोसिस नाम की डिजीज़ होती है हड्डियों में क्रैक्स आने लगते हैं इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो टाइप है आपका वो कौन सा है तो ये आपको दिख रहा होगा एडिपोस तो एडिपोस क्या होता है तो आपकी बॉडी में जो फैट जमा होता है उस टिश्यू को एडिपोस कहा जाता है जो हमारी शरीर में क्या हो वसा जमा हो उस, उस उत्तक को कहा कहा जाता है एडिपोस कहा जाता है तो एडिपोस को देख लेते हैं कि एडिपोस के क्या क्या काम है तो एडिपोस है फैट सेल अब फैट सेल क्या है जैसे कि जिसके शरीर में ज्यादा फैट होता है उसको गर्मी जो है ठंड के दिनों में क्या होगी तो उसकी बॉडी के बाहर एक अलग से परत होगी तो यहां पे परत होने के इनकी बॉडी में जो बाहर की कोल्ड विंड आएगी वो इजिली नहीं आएगी फैट व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो उसको ठंड के दिनों में कम ठंड लगेगी गर्मियों के दिनों में कम गर्मी लगेगी क्यों क्योंकि बीच में आ जा रहा है फैट तो वहां पर जो है फैट सेल्स के अंदर क्या मिलता है एडिपोस और एडिपोस भी क्या है कनेक्टिव टिश्यू है ये भी क्या है कनेक्टिव टिश्यू है मतलब संयोजी उत्तक है और इसमें क्या रहता है फैट ड्रॉपलेट्स होते हैं अब ये पाई कहाँ जाती है ऑक्रेंस कहाँ है तो बिलो स्किन आपकी स्किन के अंदर होती है इसके अलावा बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स हमारे ऑर्गेन्स जो आंतरिक अंग होते हैं उनके बीच में भी पाई जाती है इसके अलावा इसका फंक्शन क्या है तो टेम्परेचर रेगुलेशन और एक्ट एस एन इंसुलेशन इंसुलेशन का जैसे मैंने बताया कि ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने नहीं देती इसलिए जिनका वजन कम होता है या जिनकी बॉडी में फैट कम होता है उनको ठंड भी ज़्यादा लगेगी उनको गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगेगी तो ऐसा होता है तो ये किसके कारण होता है एडिपोस के कारण होता है तो एडिपोस टिश्यूज कुछ इस तरह से होते हैं जो आगे फैट बना लेते हैं और इस तरीके से प्रोटेक्ट करके रखते हैं तो ये फैट ड्रॉपलेट्स होती है इनके अंदर इसके बाद अगर हम बात करें तो एक और चीज़ होती है आपकी बॉडी में जिसको स्केलेटल कहा जाता है अब स्केलेटल में क्या है तो एक कार्टिलेज होता है एक बोन होती है अब इसके अंदर भी तो देखा जाए तो हमारी शरीर के अंदर जो कार्टिलेज है कार्टिलेज का मतलब या स्केलेटल का मतलब अस्थि जिसको हिंदी में कहा जाता है इसकी बात कर रहे हैं हम तो ये जो चीज है हमारी आपने नोज देखी हो या ईयर पिनना देखा हो ईयर पिनने का मतलब जो ये आपके कान होते हैं इन कान के बाहर की जो एक पूरी लेयर है जो आपके कान होते हैं जैसे हाथी का बहुत बड़ा पिन्ना होता है जैसे हाथी के कान देखे होंगे बाहर निकले होते हैं हमारे कान जो हैं वो छोटे छोटे से होते हैं तो वो जो बाहर पार्ट निकला हुआ है तो आप सोचते होंगे ये क्या काम करता है तो उसी को ईयर पिन्ना कहा जाता है उस ईयर पिन्ना में क्या होता है कार्टिलेज होता है और जो बोन्स हैं वो हमारे शरीर में होती हैं हड्डियाँ बहुत सारी होती हैं तो स्केलेटल टिश्यूज़ में वो भी मिलता है तो कार्टिलेज की बात करें तो कार्टिलेज कहाँ है ईयर पिन्ना कान के ऊपर नोज के टिप पर आप कभी नोज़ को ऊपर से टच करेंगे तो वहाँ पर जो चीज़ मिलेगी वो थोड़ी सी फ्लेक्जिबल होगी वो बोन जैसी एकदम हार्ड नहीं होगी तो ये नोज़ टिप पर होता है ट्रैचिया लानेक्स जो हमारे गले के पास चीज़ होती है उसमें होता है और ये सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसके अलावा जो बोन्स होती हैं ये क्या करती हैं तो एक फ्रेमवर्क का काम करती हैं एक ढांचा बनाती हैं बॉडी का हमारे जो स्केलेटन है मतलब जो हमारा खोपड़ा है जो बोला जाए स्कल जो है इसके अंदर ब्रेन है और ब्रेन बहुत सेंसिटिव है इस ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन मदद कर रहा है तो आपका हड्डियां मदद कर रही हैं आपकी जो लंग्स हैं इन लंग्स के बाहर पूरा का पूरा एक हड्डियों का ढांचा है जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है तो ये सारी चीज़ें बोन्स प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं ब्रेन्स और लंग्स को इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा एक और पार्ट आ जाता है जो इसमें देखा जाए तो ये आपने सपोर्टिंग पढ़ लिया फ्लूड वाली बात करने वाले हैं हम फ्लूड मतलब जो होता है यहां पर शुरू में भी मैंने आपको बताया था इसको देख लीजिए जिसको हिंदी में कहा जाता है तरल या फ्लूड इसकी बात कर रहे हैं तो इसके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं तो यहां पर आपको वेस्कुलर फ्लूड जिसको तरल कहा जाता है इसके दो भाग हैं एक ब्लड है और एक लिम्स है ब्लड को ही क्या कहा जाता है रक्त कहा जाता है और ये होती है लसिका तो इनकी भी बारे में बात कर लेते हैं कि इनका क्या काम है तो देखा जाए तो जो ब्लड है इस ब्लड के अंदर तो सारी चीज़ें हैं ये क्या है ब्लड मैंने आपको पहली क्लास में जब टिश्यूज पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन कि ब्लड क्या है हमारा एक कनेक्टिव टिश्यू है कनेक्टिव टिश्यू का मतलब एक संयोजी उत्तक है और कैसा संयोजी उत्तक है तो ये एक फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू है एक तरल संयोजी उत्तक है ये सीधे क्वेश्चन आता है तो ब्लड के बारे में ये चीज़ आपको पता है अब ब्लड के अंदर होता क्या है तो हमारे ब्लड के अंदर सारी चीजें होती हैं हम ब्लड तो पढ़ेंगे अलग से लेकिन आर बी सी डब्ल्यू बी सी प्लेटलेट्स ये सारी चीजें कहां पाई जाती हैं? ब्लड्स के अंदर पाई जाती हैं तो इन ब्लड के साथ आपका CO2, टू ओ टू फूड न्यूट्रिशन हॉर्मोन्स एंजाइम, सारी चीजें जो है बॉडी में जो है किसकी थ्रू पहुंच पाती है अगर कोई भी चीज़ हमारी बॉडी में रिलीज़ हो रही है तो वो ब्लड के थ्रू ही सारी जगह पे पहुंचा पाती है तो हमारा जो फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू है वो भी बहुत ज़रूरी है इसका एक और बहुत पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये तो आपने देख ही लिया कि भाई इसके अंदर प्लाज्मा होता है फिफ्टी ये आगे चल के ब्लड्स में पढ़ाऊंगा डिटेल में लेकिन अभी यहां पर याद रखना है कि आरबीसी बी डब्ल्यू बी के अंदर जो है हीमोग्लोबिन होता है आपका इसके अंदर आयरन होता है जिसके कारण ब्लड का कलर रेड होता है इसके अलावा व्हाइट ब्लड सेल्स जो हमारे इम्यून सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसके अलावा प्लेटलेट्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी बॉडी के लिए और प्लाज्मा इसके अंदर तो सारे एंटीबॉडीज़ बनते हैं अभी आपने सुना होगा कि जितने लोगों को कोविड हो रहा था तो उनको प्लाज्मा चढ़ाया जा रहा था क्योंकि जिसको भी कोविड हुआ था उसके प्लाज्मा के अंदर क्या डेवलप हो जाती है एंटीबॉडीज एंटीजन तो ये एंटीबॉडी प्लाज्मा में होता है फिफ्टी होता है बाकी पैंतालीस आपका आरबीसी बी डब्ल्यू और प्लेटलेट्स होते हैं इनको बहुत डिटेल में समझेंगे लेकिन कार्टिलेज के अंदर मतलब आपका जो टिश्यूज है कनेक्टिव टिश्यू उसमें फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट आता है तरल संयोजी तक में ब्लड और एक और चीज होती है लसिका ये लसिका क्या होती है लिम्स क्या होती है तो लिम्स जो होती हैं इनमें कलरलेस होती हैं और ये क्या करती हैं आपकी आर्टरी को से कनेक्ट करती हैं तो इन चीजों को बॉडी में कई तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होता है जहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है आपका जो ऑक्सीजन युक्त जो आपका रक्त होता है और वो जो अ जो रक्त होता है उसको जो ट्रांसफर करने का काम करती हैं वो करती हैं लसिका तो ये लसिकाओं में भी जो उत्तक पाया जाता है उसको कहा जाता है तरल संयोजी उत्तक तो इतनी सारी जगह पे ये होता है आई थिंक इतनी चीज पढ़ने के बाद आप इस पे आंसर कर सकते होंगे आज के क्वेश्चन देख लेते हैं तो क्या क्या क्वेश्चन है तो विच ऑफ फॉलोइंग कम्स अंडर द लूज कनेक्टिव टिश्यू निम्न में से कौन से ढीले संयोजी उत्तक के अंतर्गत आते हैं एरोलर टिश्यूज एडीपोस्ट टिश्यूज रेटिकुलर या ऑल ऑफ दी एरोलर उत्तक वसा उत्तक जालीदार या ऊपर के सभी नेक्स्ट है हाउ इज द डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू डिस्क्राइब्ड घने नियमित संयोजी का वर्णन कैसे किया जाएगा कंसिस्ट ऑफ फाइबर्स अरेंज इन बंडल्स एंड फाइब्रोब्लास्ट कंसिस्ट ऑफ कॉलेज फाइबर्स रैंडमली अरेज कॉलेजन फाइबर्स अरेंज इन बंडल्स एंड नो फाइब्रोब्लास्ट और फाइबर प्रेजेंट इन बंडल्स विद फाइब्रोब्लास्ट बंडल ऑफ फाइब्रोब्लास्ट में व्यवस्थित कोलेजन फाइबर से मिलकर बनता है ढंग से व्यवस्थित कोलेजन फाइबर से मिलकर बनता है कोलेजन फाइबर बंडल में व्यवस्थित होते हुए कोई फाइब्रो बेल्ट नहीं होता है और या फिर तंतु कोशिकाओं के साथ बंडलों के मौजूद लोचदार जो होती हैं उनमें तो इसका आंसर भी जरूर करिएगा नहीं बनेगा तो मैं बताऊंगा इसके अलावा व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ डेंस इेगुलर कनेक्टिव टिश्यू घने अनियमित संयोजी तक का मुख्य कार्य क्या है प्रोटेक्शन देना सपोर्ट देना स्ट्रांग देना या फिर संरक्षण सहयोग मजबूत लगाओ या इनमें से कोई नहीं तो इनके आंसर ज़रूर दीजिएगा इसके अलावा कोई भी तरह के इश्यूज हैं तो उस पर भी जो है आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसके अलावा कोई भी दिक्कत आती है आपको तो वो भी मुझसे जो है बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हैं इन सोशल मीडिया हैंडल्स पर मुझे मैसेज कर सकते हैं इसके अलावा मेल भी कर सकते हैं और कोई भी तरह का इशू है तो अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप नहीं मिल पा रहा है तो आप जो है ट्विटर पे अगर जाएंगे तो वहां पे मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है उसको ज्वाइन कर लेंगे तो आपको पीडीएफ भी आसानी से मिल जाएंगी तो होप इतनी चीजें आपको समझने आई होंगी इसके अलावा कोई भी तरह का इशू आ रहा है कुछ भी आ रहा है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए नहीं तो सोशल मीडिया हैंडल्स पर मुझसे कनेक्ट करिए तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस हैव अ ग्रेट डे स्टडी आई क्यू आई एस अब तैयारी हुई अफोर्डेबल